गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास वन. कल मैंने आपको आपके इंग्लिश का लेसन नंबर 8 डायरेक्शंस दिशाएं इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताया था आपको मैंने, ठीक है. तो आज मैं आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में. देखिए ये चैप्टर की शुरुआत होती है लुक. देखिए द सन इज राइजिंग, सूरज उदय हो रहा है. राइजिंग मतलब उगना या उदय होना. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो हमेशा पूरब दिशा में उगता है. ये आप सभी को पता है कि सुबह में सूर्य जिस दिशा में उगता है उस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं, पूरब दिशा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईस्ट कहा जाता है, ठीक है. इट राइजेज इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि सूर्य जो है वो सुबह में उगता है. आप इसको दूसरे अंदाज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है या सूर्य जब उगता है तब सुबह होती है. दोनों तरह से इसको आप बोल सकते हैं. एक तो आपका लाइन कह रहा है कि सूर्य सुबह में उगता है, आप इसको ऐसे बोलिए कि सूर्य के उगने के बाद सुबह होती है, ठीक है. इट सेट्स इन द इवनिंग, और सूर्य जो है वो शाम में अस्त होता है. हम लोग कहते हैं कि सूरज डूब गया, दोनों बात है. सेट्स इन द इवनिंग मतलब सूर्य शाम में अस्त होता है या शाम में डूब जाता है. इट ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, आप शाम के समय देखेंगे कि सूर्य पूरब के ठीक उल्टे दिशा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं, उधर जाके वो अस्त होता है, उधर जाके वो डूबता है. कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सूर्य पूरब में उगा हो और दक्षिण में जाके साउथ में जाके अस्त हुआ हो या नॉर्थ में जाके अस्त हुआ हो. ये हमारा प्रकृति है कि सूर्य पूरब में ही उगता है या राइज होता है और पश्चिम में जाके ही सेट होता है या अस्त होता है. ओके, नेक्स्ट पेज. अच्छा, इसमें कह भी रहा है कि द अपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट, कि पूर्व का उल्टा दिशा पश्चिम है, ठीक है. द अपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ, और उत्तर का उल्टा दिशा दक्षिण है, ठीक है. ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शंस, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है. डू यू नो हाउ टू फाइंड दिस डायरेक्शंस, क्या आपको पता है कि ये दिशाएं हम कैसे खोज सकते हैं. मैंने आपको कल समझाया भी था कि कैसे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं, विशेषकर मॉर्निंग के समय में सबसे आसान. दिस इज़ वेरी इजी, यह बहुत आसान है. दिशाओं का पता लगाना बहुत ही आसान है. ये आपको कल भी मैंने समझाया था और आपके बुक में भी यही बात कह रहा है, ठीक है. तो कैसे कैसे होता है ये पहले देखिए. लुक एट द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की तरफ देखिए या उगते हुए सूर्य को देखिए आप, ठीक है. टू योर लेफ्ट इज द नॉर्थ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ जो डायरेक्शन है, आप अपने हाथ को ऐसे खड़ा कर लीजिए जैसे वो लड़का खड़ा किया ऐसे, ठीक है, पैरेलल समानांतर में, जो डायरेक्शन आपके लेफ्ट साइड में है वो डायरेक्शन नॉर्थ है. टू योर राइट इज साउथ, और जो डायरेक्शन आपके राइट हैंड के साइड में है वो डायरेक्शन आपको साउथ यानी दक्षिण दिशा है. यानी कि आपने सूर्य की ओर फेस किया है राइजिंग सन की तरफ, तो सामने वाला डायरेक्शन क्या है वो ईस्ट है, और आपने अपने दोनों हाथ को ऐसे उठा लिया है, ठीक है, दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों हाथ को, तो लेफ्ट हैंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड आपका किधर जा रहा है, राइट हैंड आपका दक्षिण यानी साउथ की ओर जा रहा है. ओके,
टू द साइड ऑफ द सन इज द ईस्ट। यही बात तो मैंने अभी बताया भी है कि आपके सामने में जो दिशा है, जिधर सूरज है, सूरज की ओर की जो दिशा है वो दिशा पूर्व दिशा है, ठीक है। टू द अपोजिट साइड इज द वेस्ट, और सूरज के ठीक सामने उसके जो विपरीत में, अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टे तरफ में जो दिशा है, यानी कि अगर हम खड़े ऐसे हैं सामने में सूर्य सूरज है, तो हमारे ठीक पीछे यानी हमारे उल्टे तरफ में, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कौन डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है। यानी कि सूर्य अगर सुबह में पूर्व में उदय हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसके ठीक सामने, यानी कि हम खड़े हैं सूरज के सामने में, तो हमारे पीछे का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, और हमारा लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है मेरे हाथ के ठीक पैरेलल में वो नॉर्थ है, राइट साइड में साउथ है। तो इस तरह से हम सुबह के समय बड़े आसानी से इस बात को जान लेते हैं कि कौन डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो अब इसमें जो बाकी का जो चैप्टर है वो मैं कल आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका काम भी दूँगा कल। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।